हाय एवरीबॉडी, आज आपके सामने लेके आया हूँ हायर का जो न्यू फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है विथ 100% है, HWD 105B149599SAT1। तो इस मशीन का जो बेनिफिट्स है, अगर बाहर सर्दी हो, बरसात हो, मतलब बारिश का टाइम है या सर्दी का टाइम है, किसी भी टाइम अगर आपको कपड़ा सुखाना भी है वॉश के साथ साथ, तो उसके लिए एक यूनिक आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसमें आप वॉश के साथ साथ आप कपड़ा को 100% ड्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हायर का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है विथ 100% ड्रायर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका जो यूएसपी है, जो यूनिक सेल्स पॉइंट है, और जो इसका डेमो फीचर्स है, सारे के बारे में आज आपको टोटल डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इतना एक यूनिक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का फर्स्ट यूएसपी जो फीचर्स है, इसमें कुछ यूनिक फीचर्स है जो आपको 100% सेटिस्फाइड करेगा, ये मैं 100% कंफर्म हूं, ठीक है। तो इसका जो यूनिक फीचर्स है, उसे फर्स्ट जो आता है कि ये 5 स्टार रेटिंग में आता है, मतलब आपका पावर का जो सेविंग्स है उसकी तरफ आपको ध्यान रखेगा, ठीक है। दूसरा है कि इसका जो ड्राम है, इसका जो इनर ड्राम है, ये हमारा 525 mm में आता है, जो मार्केट में कोई ब्रांड नहीं देता है। तो इसका जो ड्राम है, इनर ड्राम जो है, ये बड़ा होने के रीजन से क्या होता है कि इसके अंदर जो पैडल्स होता है, जैसे ये कपड़ा को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है, तो उसमें क्या होगा, आपका कपड़ा अच्छी तरह से क्लीन होगा, ठीक है। और इसका इनसाइड जो है, आपका ओपन डोर, जो ओपन है डोर का साइज भी बहुत बड़ा है, तो वो आप आसानी से इसके अंदर लॉन्ड्री को देख घुसा सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जैसे आप डोर उसको ओपन करेंगे, तो इसमें इनर लाइट भी दिया हुआ है, तो इनर लाइट जल जाएगा, तो कहीं पे आपको हो सकता है कि कहीं जहां पे आप मशीन आपका इंस्टॉल है, हो सकता है थोड़ा अंधेरा भी होगा, तो आप आसानी से अंदर क्या लॉन्ड्री है नहीं है उसको आसानी से आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ये यूनिक सेल्स पॉइंट। ओके, उसके बाद आता है ये जो है हमारा डीएम सीरीज का है, इसमें 100% डीडी मोटर आपको मिलेगा या डीएम मोटर मिलेगा, मतलब ये जो डीएम मोटर या डायरेक्ट मोशन मोटर होता है, ये क्या होता है कि डायरेक्टली हमारा ड्राम के साथ कनेक्ट होता है। साथ ही साथ ये डीसी मोटर होने के कारण इसमें आपका पावर कंजम्पशन कम होगा, लेस नॉइज होगा, लेस वाइब्रेशन होगा, और आपका पावर कंजम्पशन का भी ये ध्यान रखेगा, ठीक है। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ डीएम मोटर या डायरेक्ट मोशन मोटर। साथ ही साथ इसमें क्या है कि ये हमारा एवीटी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो वीईडी सर्टिफाइड है। हमारा जो डिटर्जेंट बॉक्स है और जो गैसकेट होता है, ये क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हमारा पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो इसके कारण यहाँ पे बैक्टीरिया फंगस होने का एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये जैसे वीडी सर्टिफाइड है, इसमें ये एंटी बैक्टीरिया मटेरियल से बना हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे कहीं भी आपका फंगस या बैक्टीरिया क्रिएट होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। दैट मीन्स योर लॉन्ड्री जो है वो और भी हाइजेनिक होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है ये ड्यूअल स्प्रे फीचर्स दिए हुए हैं। व्हाट इज ड्यूअल स्प्रे? जनरली क्या होता है कि आफ्टर वॉश जो लिंट होता है या डस्ट पार्टिकल्स होता है, वो हमारा ये जो गैसकेट्स है, गैसकेट्स एंड डोर के ऊपर आके बैठ जाता है, जो बाद में दोबारा फिर कपड़ा के साथ मिक्स हो जाता है। लेकिन इसका जो ड्यूअल स्प्रे टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि ये आपका रिंस के टाइम एंड स्पिन के टाइम डोर के ऊपर, डोर का जो हमारा आफ्टर वॉश क्या करता है, डोर के ऊपर जो लिंट और डस्ट आ जाता है उसको क्लीन कर देता है, ताकि दोबारा वो कपड़ा के साथ मिक्स ना हो, एंड दैट इज द मोस्ट हाइजेनिक फॉर योर लॉन्ड्रीज। ओके, साथ ही साथ इसमें क्या है कि एक प्योर स्टीम फीचर्स दिया हुआ है। व्हाट इज प्योर स्टीम फीचर्स? इसका जो कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें आपको ये स्टीम फीचर्स मिलेगा। स्टीम फीचर्स में क्या होगा कि आफ्टर फर्स्ट वॉश आपका मशीन जो है वो विथ वेपर 60 डिग्री वेपर में कपड़ा के अंदर जो जाम्स या बैक्टीरिया है उसको किल कर देगा। दैट इज कॉल्ड द प्योर स्टीम फीचर्स एंड दैट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस यूनिट। ओके, साथ ही साथ इसमें आई रिफ्रेश टेक्नोलॉजी भी है। व्हाट इज आई रिफ्रेश टेक्नोलॉजी? इसमें एक रिफ्रेश टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा घर में कवर्ड में मेरा ऑलरेडी साफ कपड़ा हो सकता है पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ स्मेल आ गया और मेरे को पार्टी में जाना है, तुरंत इसको पहनना है, उस कंडीशन में हम इसको आई रिफ्रेश प्रोग्राम में डाल के हम इसको साफ कर सकते हैं। वो आरो पुराना जैसे हो, जैसे हो पहले जैसे हो, उसका टेक्सचर को लौटा देगा और पूरा पहले जैसे उसका फीलिंग्स को लौटा देगा, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली ड्राई वॉश करता है, सेम फीलिंग आपका देगा ये आई रिफ्रेश प्रोग्राम, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और एक
फीचर्स हैं जो है क्या, AI DVS टेक्नोलॉजी, मतलब ऑटो इंटेलिजेंट डायनामिक बैलेंसिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑटो इंटेलिजेंट डायनामिक बैलेंसिंग सिस्टम? जनरली फ्रंट लोड मशीन में कस्टमर का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि मशीन बहुत वाइब्रेट करता है, जिसके लिए कस्टमर डर, मतलब एक डर हो जाता है कि कब वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसके अंदर हमने गलती से कुछ अलग तरह का लॉन्ड्री, जैसे हल्का भारी कपड़ा लॉन्ड्री दिए दी, और मशीन अगर वाइब्रेट करेगा तो उस कंडीशन में इस वाइब्रेट को रोक देगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अनबैलेंस को डिटेक्ट करेगा और मशीन को वाइब्रेट होने से रोक देगा, ठीक है। मतलब ये मशीन आपका वाइब्रेट कंडीशन में जाएगा नहीं। दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ AI DVS टेक्नोलॉजी। और इसमें और एक जो यूनिक फीचर्स है, ये है हमारा, ये स्मार्ट प्रोडक्ट है, स्मार्ट लॉन्ड्री है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि आपका वाईफाई फीचर्स दिया हुआ है, आप मोबाइल ऐप के थ्रू इस जो प्रोडक्ट है इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में साथ आपका सेफ्टी के लिए और एक चीज़ है, यहाँ पे अगर जब पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करने के बाद कोई भी आप फीचर्स, मतलब कोई भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, मशीन को ऑन नहीं करेंगे, आफ्टर 3 मिनट्स क्या होगा, इसका पावर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने पावर को ऑन किया था, अभी इसमें कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द सेफ्टी ऑफ दिस यूनिट, दिस इज द सेफ्टी फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। तो ये तो आ गया मैं सारा इसका जो USP है उसके बारे में बात किया। अभी मैं एक एक करके इसका जो सारा फीचर्स है उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इसका जो फीचर्स आता है, तो फीचर्स बताने से पहले फर्स्ट मैं बताता हूँ कि इसका यूजेस में, फर्स्ट जो ये है मेरा डिटर्जेंट बॉक्स, ठीक है। ये जो डिटर्जेंट बॉक्स है, इसको खोलने के लिए इसको पुश करके इसको निकालना है। डिटर्जेंट बॉक्स जो है, इसमें आपका तीनों चैम्बर मिलेगा, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। अगर मेरे को पाउडर डिटर्जेंट डालना है, तो उस कंडीशन में पाउडर या लिक्विड कोई भी डिटर्जेंट डालना है, तो मेरे को यहाँ पे डालना है मेन वॉश के लिए, ठीक है। अगर मेरे को सॉफ्टनर डालना है, तो दो नंबर चैम्बर में मेरे को डालना है यहाँ पे। अगर मेरे को प्री वॉश में मैं डालना चाहता हूँ कुछ पाउडर डिटर्जेंट, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, दैट इज ऑप्शनल। एंड यहाँ पे जो हम पाउडर डालेंगे, दैट इज वेरी लेस क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। और इस चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर हम पाउडर यूज कर रहे हैं, मतलब डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अंदर जो पार्टीशन है इसको ऐसे उल्टा कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिक्विड देना चाहता हूँ या लिक्विड दे रहा हूँ, उस कंडीशन में चैनल को, पार्टीशन को मेरे को ऐसे रखना है, नहीं तो क्या होगा, लिक्विड एक जो डिटर्जेंट है एक ही बार में वो अंदर चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर हम पार्टीशन दे देंगे वो धीरे धीरे 5% मिक्स होते जाएगा, दैट इज द बेटर। तो ये तो हो गया आपका डिटर्जेंट बॉक्स का जो यूजेज है। उसके बाद आता है इसका जो फीचर्स है, फर्स्ट ये मेरा पावर बटन है, इसको जस्ट टच करने से ये मेरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आता है ये मेरा प्रोग्राम सिलेक्ट करने का जो मेरा नॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉटन, सिंथेटिक, ऊल, क्विक 15, ड्राई ओनली, वॉश एंड ड्राई, साड़ीज, बेडिंग्स, शार्ट, स्पिन, सेल्फ क्लीन एंड रिमोट, ये टोटल मेरा 12 प्रोग्राम है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम मेरे को सिलेक्ट करना है, तो उसके इसके लिए इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मेरा कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन जो है, बेसिकली अगर हम ओनली कॉटन टाइप का कपड़ा वॉश करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मैं कॉटन सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसमें हम 10 kg तक कपड़ा, ड्राई जो कपड़ा है वो इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो सिंथेटिक्स है, सिंथेटिक्स जो है ये सिंथेटिक कपड़ा के लिए है, जिसमें हम अगर हम लॉन्ड्री डालेंगे तो उसमें हम 5 kg तक लॉन्ड्री इसमें डाल सकते हैं। थर्ड होता है कि ऊल, जो हमारा ऊलन टाइप का कपड़ा होता है, ऊलन टाइप का कपड़ा क्या होता है कि जनरली हल्का होता है, लेकिन पानी में जब जाता है तो भारी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ओनली 1 से 1.5 kg कप जो लॉन्ड्री है हम यूज करेंगे। सेम जो क्विक वॉश है, इसमें भी हम 1 से 1.5 kg तक कपड़ा या लॉन्ड्री हम यूज करेंगे, क्योंकि क्विक वॉश जो है, जिसमें जो बहुत कम डर्ट होगा, कम गंदगी होगा, तो कम क्वांटिटी में हम इसको क्विक वॉश में डालना है, ठीक है, नहीं तो ठीक से क्लीन नहीं होगा। उसके बाद आता है ड्राई ओनली, ठीक है। ये हम अगर कपड़ा को खाली ड्राई करना चाहते हैं, गीले कपड़ा को, उसके लिए है, इसके इसके बारे में हम आगे ज्यादा से बात करेंगे। उसके बाद आता है कि ड्राई एंड वॉश, ठीक है, मतलब हम वॉश के साथ साथ कपड़ा को ड्राई भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा मेरा ड्राई एंड वॉश प्रोग्राम। उसके बाद आता है साड़ीज, ठीक है, खाली साड़ी अगर हम वॉश करना चाहते हैं, उसके लिए साड़ी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बेडिंग्स, बेडशीट, लंबा जो हमारा बड़ा बड़ा बेडिंग्स आता है उसके लिए है।
ये है हमारा शॉर्ट्स, ठीक है, ये है खाली स्पिन। अगर हम खाली कपड़ा को खाली उसका जो मॉइस्चर है उसको निकालना चाहते हैं, स्पिन करना चाहते हैं, उसके लिए मेरा स्पिन प्रोग्राम है, दैट इज सेल्फ क्लीन। सेल्फ क्लीन जो है बेसिकली ड्राम को, इनर ड्राम जो हमारा अंदर में जो ड्राम है इसको क्लीन करने के लिए है। तो आफ्टर 50 वॉश साइकिल हम एक बार इसको यूज, इसका यूज कर सकते हैं, दैट इज द बेनिफिट फॉर यूनिट। एंड लास्ट आता है कि रिमोट, अगर हम इस यूनिट को ऐप के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में मेरे को इस प्रोग्राम को रिमोट में रखना है, नहीं तो क्या होगा, ये ठीक से काम नहीं करे, मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल 12 प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिया हुआ है, जैसे ये डिले, मतलब हम बाद में वॉश करना चाहते हैं, ठीक है, तो 1.33 हाफ आवर से शुरू होगा, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे बार बार तो ये बढ़ता जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसमें 6 घंटा सिलेक्ट कर दिया, 6 घंटा मतलब क्या, 6 घंटा में मेरा टोटल वॉश साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स डिले टाइम जो हम यहाँ पे सेट करेंगे, दैट इज डिले टाइम एंड प्रोग्राम टाइम दोनों मिला के ये टाइम यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, आई रिफ्रेश। आई रिफ्रेश ऐसा प्रोग्राम है, जैसे मेरा पहले मैंने बताया कि जो कपड़ा मेरा ऑलरेडी कवर्ड में है, ऑलरेडी साफ किया हुआ है, लेकिन उसमें स्मेल आ गया, क्रीज आ गया, जिसको हम मेरे को अभी पहनना है, उस टाइप का कपड़ा के लिए आई रिफ्रेश प्रोग्राम है, उसको ड्राई वॉश जैसा फीलिंग देगा। सेकेंड क्या है कि आई रिफ्रेश में हमेशा हमको सूखा कपड़ा ही देना है, ये हमको ध्यान में रखना है, गीला कपड़ा नहीं देना है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि आफ्टर प्रोग्राम, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका डोर पे और यहाँ पे आपका हल्का सा डस्ट पार्टिकल आपको मिल सकता है, तो उसको आपको सूखा साफ कपड़ा से आपको साफ कर लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है पानी का जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हर प्रोग्राम के साथ एक बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर मिलेगा, आपका बाय डिफॉल्ट एक स्पीड मिलेगा। तो अगर कस्टमर या आप इसको एडिशनल इसको बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ से है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ऊपर वो नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है स्टीम, ठीक है। स्टीम फीचर्स क्या है कि ये आपका आफ्टर फर्स्ट वॉश इसमें वेपर के थ्रू कपड़ा के अंदर ये वेपर के थ्रू कपड़ा को वॉश करेगा, और कपड़ा के अंदर अगर कोई जाम्स वगैरह है, क्योंकि 60 डिग्री टेम्परेचर में ये वेपर काम करेगा, और कपड़ा के अंदर कोई जाम्स बैक्टीरिया है तो उसको किल कर देगा, दैट इज मोर हाइजेनिक फॉर योर लॉन्ड्रीज, ओके। तो ये सारा प्रोग्राम भी काम नहीं करेंगे, जैसे हम कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे अगर उसमें स्टीम फीचर्स है तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा, जैसे वॉश एंड ड्राई में है, साड़ीज में नहीं है, बेडिंग्स में है, शार्ट्स में नहीं है, स्पिन में नहीं होगा, सेल्फ क्लीन में नहीं होगा, रिमोट में नहीं होगा, कॉटन में होगा एंड सिंथेटिक में होगा, ठीक है, और ऊल में भी नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी जैसे यहाँ पे स्टीम का फीचर्स आ गया, तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये स्टैंड बाई मोड में आ जाएगा, दैट मीन्स इसमें स्पिन स्टीम फीचर्स अभी काम करेगा, ठीक है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ, दैट इज ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्पीड, हर प्रोग्राम के साथ एक स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो स्पिन का जो स्पीड है, तो ये आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ठीक है, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, लेकिन इसका जो मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है हर प्रोग्राम में उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम जो लिमिट दिया हुआ है वो 800 तक ही दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा ड्राई ऑप्शन, ठीक है। तो ड्राई के लिए क्या है कि आपको फर्स्ट इसमें आएगा ऑटो मोड, उसके बाद आएगा 30 मिनट्स, उसके बाद 60 मिनट्स, उसके बाद 90 मिनट्स, उसके बाद 120 मिनट्स, उसके बाद 150 मिनट्स, ओके, मतलब आप कितना मिनट तक, कितना टाइम तक वो ड्राई करना चाहते हैं। तो बेसिकली जब हम ड्राई ऑप्शन में जाएंगे तो हमको दो चार चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप वॉश एंड ड्राई के साथ भी दे सकते हैं, ओनली ड्राई में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट तो आपको देखना है कि आप किस तरह का ड्राई चाहते हैं, आयरनिक ड्राई चाहते हैं या ड्राई करने के बाद डायरेक्ट उसको पहनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको 100% बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उस कंडीशन में मेरा जो सजेशन है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लॉन्ड्री को एक बार स्पिन में डाल के एक बार कपड़ा को स्पिन कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसका मैक्सिमम जो मॉइस्चर आपका निकल जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको ड्राई में सिलेक्ट कीजिए,
ठीक है, उसके बाद आप ड्राई से आपको उसका ऑटो मोड में सिलेक्ट कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें आपका टाइम जो है वो मशीन एडजस्ट कर लेगा। इसमें जो टाइम शुरू में दिखाएगा उसके बाद ये टाइम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब तक ना आपका कपड़ा 100% ड्राई होगा ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 100% ड्राई चाहते हैं तो उस कंडीशन में ऑटो मोड यूज़ करना आपके लिए बेहतर होगा। आप अपना हिसाब से इसका टाइम भी सेट कर सकते हैं, आप 30 मिनट्स का, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट्स, 120 मिनट्स, 150 मिनट्स का भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि अगर लॉन्ड्री के हिसाब से वो टाइमिंग अगर घट जाए, कम होगा, तो उस हिसाब से आपको 100% ड्राई नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि एज पर टाइमिंग वो प्रोग्राम आपका खत्म कर देगा। अगर हम कॉटन कपड़ा सिलेक्ट किया और उसके में हमने 120 मिनट का या 150 मिनट का टाइम दे दिए, तो हो सकता है कि उसमें मेरा 100% ड्राई नहीं भी हो सकता है। तो बेस्ट है कि उस कंडीशन में आप ऑटो मोड यूज करें। तो और कपड़ा या लॉन्ड्री का टाइप के हिसाब से भी आपको ये टाइमिंग आपको सेट करना है। ठीक है, क्योंकि सिंथ, जैसे हम जानते हैं कि सिंथेटिक टाइप का कपड़ा होगा तो उस कंडीशन में, या सिल्क टाइप का कपड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है, ये हमको और मिक्स करके हमको नहीं देना है, जैसे कॉटन के साथ सिंथेटिक इस टाइप का हमको नहीं देना है। उसमें क्या होगा, सिंथेटिक टाइप का कपड़ा जो है वो पहले सूख जाएगा, लेकिन कॉटन टाइप का जो कपड़ा है वो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखना है जब भी हम ड्राई फीचर्स आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है मेरा स्टार्ट एंड प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट पर दबा दीजिए तो मशीन आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान में रखिए, इसमें जो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, कॉटन, सिंथेटिक्स, वूल्स, क्विक 15, ड्राई, साड़ीज, बेडिंग, हर प्रोग्राम के साथ एक उसका जो बेस्ट फीचर्स है वो ऑलरेडी इसमें सेट किया हुआ है। उसका जो स्पिन है, टेम्परेचर है, सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो कोई भी एक प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देने से भी उसका बेस्ट फीचर्स मेरे को मिल जाएगा, लेकिन हम एडिशनल कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे को एडिशनल जो फीचर्स है उसको यहाँ से करना है। इसके साथ साथ और एक चीज़ होता है कि बहुत सारे कस्टमर होता है जिसका स्किन जो होता है वो सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा रिंस चाहता है कि ज़्यादा रिंस हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में कस्टमर को क्या करना है कि यहाँ पे जो मेरा आई रिफ्रेश और टेम्परेचर बटन है, दोनों बटन को प्रेस करके रखना है और आई एक्स्ट्रा रिंस को सिलेक्ट करना है, एक या दो। तो यहाँ पे P1, P2 या P0 आ जाएगा, दैट मीन्स अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ से एडिशनल रिंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे P1 आ गया मतलब इसमें एडिशनल एक रिंस एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो ये फीचर्स है। उसके साथ साथ और एक है कि जो हमारा चाइल्ड लॉक होता है। ठीक है, तो चाइल्ड लॉक के लिए क्या है कि आपको फर्स्ट मशीन को स्टार्ट करना है और उसके बाद डिले और आई रिफ्रेश दोनों बटन को साथ में प्रेस करके रखना है, तो इसमें चाइल्ड लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। अभी क्या होगा, मेरा कोई भी बटन अभी काम नहीं करेगा, दिट इज ओनली फॉर चाइल्ड लॉक्स। ठीक है, तो अगर चाइल्ड लॉक आप करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको चाइल्ड लॉक को हटा देना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मशीन अगर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मशीन ऑफ भी हो जाएगा, उस कंडीशन में चाइल्ड लॉक उसका मेमोरी में रह जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप मशीन को ऑन करेंगे उस कंडीशन में आपका मशीन जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब आपका जो टच है या नॉब बॉटम्स है ये कोई काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में पहले आपको चाइल्ड लॉक को हटाना है, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम या बटन्स जो है वो काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज है कि जैसे हम मैं इसको प्रोग्राम वगैरह सिलेक्ट करूँ तो इसमें क्या है कि एक बीप साउंड आ रहा है। ठीक है ना, तो ये साउंड अगर मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे को क्या करना है कि इसको सेल्फ क्लीन में रखना है और डिले एंड टेम्परेचर दोनों बटन को साथ में प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे एक बीप ऑफ साइन आ जाएगा, तो अभी क्या होगा, ये साउंड मेरा गायब हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो मैंशन इन यूजर मैनुअल ऑल्सो। अगर दोबारा फिर मैं इसको चाहता हूँ कि ये साउंड हो, तो उस कंडीशन में फिर मेरे को सेल्फ क्लीन में रख के डिले और टेम्परेचर को एक साथ प्रेस करके रखना, तो मेरा बीप ऑन हो जाएगा। तो ये चीज मेरे को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया इसका जो प्रोग्राम्स है,
उसके बारे में, सारा जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैंने बता दिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि जो सारा फीचर्स मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट, जैसे जब हम वॉश करेंगे तो डिटर्जेंट जो है कैसे हम यूज़ करेंगे, उसका गाइडलाइंस मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेरा लोड हम इसमें डिटर्जेंट यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी मशीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। इसको फॉलो करना बेहतर है। नेक्स्ट चीज़ किया है कि इसमें और भी कुछ एडिशनल ये दिया हुआ है कि आप जब मान लीजिए कोई कभी आपका मशीन चलते चलते पावर ऑफ हो गया और लॉन्ड्री आपका फंस गया है अंदर में, उसको निकालना है, तो उस कंडीशन में मेरा बटन में जो मेरा एक एडिशनल जो दिया हुआ है यहाँ से ड्रेन ओपनिंग का, यहाँ से मैं ड्रेन ओपन कर सकता हूँ और फर्स्ट मेरे को कैप को निकालना है, उसके बाद ड्रेन को ओपन करना है, ठीक है, पानी को ड्रेन कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एक वाइट टाइप का मेरे को जो दिख रहा है तो इसको हल्का सा खींचने से, कोई टेस्टर जैसा कुछ दिख के खींचने से क्या होगा, मेरा डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर इमरजेंसी पर्पस एंड सेम इसमें मेरा ड्रेन में एक फिल्टर दिया हुआ है, इसको भी मेरे को बीच बीच में क्लीन कर लेना है क्योंकि इसको अगर हम नहीं क्लीन करेंगे तो कभी कभी क्या होता है गलती से हम लोग कपड़ा के अंदर भी हमारा फॉरेन पार्टिकल कॉइन्स वगैरह रह जाते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई वॉश मतलब लॉन्ड्री को देंगे उसका पहले हमको देख लेना है उसके साथ कोई मेटल पार्टिकल्स या कॉइन्स वगैरह कुछ उसके साथ ना रहे, ठीक है। दैट इज कपड़ा के लिए भी खराब है, मशीन के लिए भी वो खराब होगा और अल्टीमेट क्या होगा, वो ड्रेन में जाके ड्रेन को ब्लॉक कर देगा, इसलिए वो ड्रेन को भी हम बीच बीच में हमको फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका पीछे जो फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है, जो जहाँ से हमारा पाइप फिक्स है वहाँ पे जो फिल्टर दिया हुआ है उसको भी हम बीच बीच में खोल के क्लीन कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, तो अगर हमको लगता है कि पानी का प्रेशर घट गया उस कंडीशन में, ठीक है। तो कभी अगर आपको लग रहा है कि पानी का प्रेशर घट गया कम गया तो वो फिल्टर को आपको क्लीन कर सकते हैं। दूसरा चीज़, और एक चीज़ क्या है कि आफ्टर जैसे हमने मशीन को चलाया वॉश के लिए और देखा कि मेरा पानी ख़त्म हो गया तो उस कंडीशन में हम टैंक को ऑन करके मशीन को चलाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द यूनिट, ओके, ये मशीन के लिए सही नहीं है। तो कभी हम टैंक मेरा खाली हो जाएगा तो उस कंडीशन में टैंक भरने के बाद हमको थोड़ा देर 5-10 मिनट रुक जाना चाहिए, उसके बाद ही मशीन को चलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा सारा जो गंदा है वो आके मेरा मशीन में आके अंदर में वाल्व जो है उसको ब्लॉक कर देगा या डैमेज कर देगा, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है कि फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है इसके लिए हम ट्रॉली का यूज़ मत करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रॉली क्या होता है कि इनिशियली प्रॉब्लम नहीं भी होते कुछ दिन बाद इसमें वाइब्रेशन का या नॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ट्रॉली का यूजेस ना करें, दैट इज गुड फॉर द यूनिट, ठीक है। तो ये सारा हो गया इसका फीचर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा आपको ये जो मैंने बताया फीचर्स और यूजर्स के बारे में तो ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं। और इसका जो एक स्पेशल फीचर्स है, पहले ही मैंने बताया कि ये IoT प्रोडक्ट है, स्मार्ट प्रोडक्ट है, आप ऐप के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐप के थ्रू कनेक्ट करके कैसे इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अब बना चुका हूँ, तो सेम वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसके थ्रू आप इसका वाईफाई वायरिंग जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट सेम इसी तरह का जो वीडियोस है इन फ्यूचर आपको मिलता रहे, ओके, थैंक यू। प्रोसेस है वो क्या है, जो कपड़ा जब वॉश होगा उसको आप टोटल एक बार स्पिन कर लीजिए, जो हमारा स्पिन प्रोग्राम है, आपने अगर कपड़ा नॉर्मली कपड़ा दिए हैं, ठीक है, वॉश करने दिए हैं तो उसके बाद जैसे ये स्पिन हो जाएगा, स्पिन के बाद फिर आपको उसमें आप क्या करें उसको ड्राई सिलेक्ट करें, और ड्राई जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में ऑटो मोड सिलेक्ट, अगर आप 100% ड्राई चलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप ऑटो मोड को सिलेक्ट करें, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर दिया हुआ है वो मॉइस्चर लेवल को सेंस करता है और अकॉर्डिंगली आपका कपड़ा को सुखाता है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा के अंदर कितना मॉइस्चर है, ठीक है, और उसको सुखाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अपना हिसाब से अगर इसको 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स या 120 मिनट मैंने सिलेक्ट कर लिया या 150 भी सिलेक्ट कर दिया, हो सकता है कि 150 मिनट्स में
वो पूरा जो कपड़ा है पूरा ड्राई नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आफ्टर जब कंप्लीट हो जाएगा मेरे को निकालने के बाद हम देखेंगे कि हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर रह गया या गीलापन रह गया, ठीक है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, जब भी आप ड्राई मोड सिलेक्ट करेंगे, मतलब कपड़ा को आप ड्राई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ड्राई ओनली आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्राई मोड से ऑटो मोड सिलेक्ट कीजिए। लेकिन आपके पास और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई कपड़ा ड्राई करेंगे तो क्या होगा?